हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन ट्यूब। मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, हाल ही में एक बहुत ही अच्छा न्यूज आया है व्हाट्सएप की तरफ से। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं और अगर आप यूट्यूब का वीडियो को व्हाट्सएप में प्रमोट करना चाहते हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिग न्यूज है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप मेरा ऐसा वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और अगर सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है, वहां पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर क्लिक करने से मेरा आपको जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मेल पर जरूर मिलता रहेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप ने यूट्यूब का पिक्चर इन पिक्चर जो फीचर है उसको व्हाट्सएप के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब व्हाट्सएप में जब भी कोई भी आप यूट्यूब का वीडियो को आप शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप में ही वो प्ले होगा, ना कि बाहर में जाके। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कोई भी वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करते थे तो वहाँ पे जब भी कोई भी जाके क्लिक करता था तो वहाँ से रिडायरेक्ट होके यूट्यूब एप्लीकेशन पे क्या कोई भी ब्राउजर पे, मोबाइल जो ब्राउजर होते हैं वहाँ पे जाके हम लोगों का वीडियो प्ले होता था। लेकिन अभी पिक्चर इन पिक्चर फीचर जो व्हाट्सएप ने चालू किया है उसमें कोई भी आकर हम लोगों का वीडियो पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर ही वो वीडियो प्ले होगा। इवन यहाँ पे जो वीडियो प्ले होगा वो फुल स्क्रीन में प्ले होगा यहाँ पे। और आपका जो वीडियो है, जब भी कोई भी क्लिक करेगा आपका लिंक पे तो वहाँ पे क्लिक होने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और वहां पे आपका वीडियो को शो करेगा। इवन वहां पे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, यहां पे क्लोज बटन दिया जाएगा आपका। इवन इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं इसको ड्रैग करके। इवन यहां पे मिनिमाइज का एक रिसाइज बटन भी दिया जा रहा है, वो एरो मार्किंग एक बटन है, यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो को छोटा करके लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा। और अब आपका जो इंपॉर्टेंस जो चैट है उसको आप देख सकते हैं, उसका रिप्लाई दे सकते हैं। इवन वीडियो को बंद ना करके आप उसको कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक फीचर है, इससे हम लोग जैसे यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ गया है। हम लोग जब भी हम लोगों का वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करते थे तो वहां पे क्या होता था, बहुत सारा व्हाट्सएप यूजर से जो ये पसंद नहीं करते हैं कि रिडायरेक्ट होके दूसरा जगह चला जाए, इसके लिए वो लोग जब भी देखते थे कोई भी वीडियो पे क्लिक करने के बाद वो रिडायरेक्ट हो रहे हैं तो उसको बंद कर देते थे। इसके लिए हम लोगों का वीडियो वॉच नहीं होता था और हम लोगों का वीडियो पे व्यूज नहीं आते थे, हम लोगों का वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आते थे। तो अभी व्हाट्सएप ने जो फीचर चालू किया है इससे हम लोगों का बहुत ही अच्छा सुविधा मिल गया है कि हम लोग यूट्यूब का वीडियो को जब भी व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तो उस वीडियो को वो लोग देखेगा जो व्हाट्सएप यूजर्स है, और अगर ग्रुप में शेयर करते हैं तो वहाँ पे भी दिखा जाएगा। और इसमें हम लोगों का बहुत ही अच्छा फायदा है, यहाँ पे हम लोग वॉच टाइम भी गैदर कर सकते हैं और हम लोगों का वीडियो पे व्यूज भी आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अभी अवेलेबल है ओनली फॉर एपल यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा, मैं सोचता हूँ कि एक महीना के दो महीने के अंदर हम लोग के भी लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। मतलब हम लोग जैसे एंड्रॉइड यूजर्स है उसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस फीचर्स को आपको अभी पाने के लिए आपको एपल यूजर्स तो होना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप का जो नया बीटा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये फीचर्स मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।